अगर आपके आर्थिक हालात वर्तमान में खराब हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका भविष्य भी आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा। आपका आज का इरादा ही आपका भविष्य और जिंदगी का निर्धारण करता है। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूं जिसके पात्रों ने ना सिर्फ शून्य से शुरुआत की और अपने कारोबार को देश भर में फैलाया, बल्कि उन्होंने अपने नाम को बनाने के साथ साथ हजारों लोगों को जीवन जीने का आधार भी दिया। तो कौन है ये शख्सियत और कैसे बनाया इन्होंने 0 से 250 करोड़ का बिजनेस, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में। इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो मैं जिसकी बात कर रही हूं, ये व्यक्ति कोई और नहीं, देवी दत्त गुर्जर है, जिन्होंने नीचे से शुरुआत करके अपने मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को पार करके करोड़ों का साम्राज्य बनाया। देवी दत्त गुर्जर का जन्म राजस्थान के सीकर जिले के बालरा गांव में 1954 में गरीब परिवार में हुआ। इनका पूरा बचपन गरीबी में ही बीता। इसी गरीबी और खराब आर्थिक स्थिति ने इन्हें अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का साहस दिया। इन्होंने जैसे तैसे करके अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी की, लेकिन उसके बाद इन्होंने आगे बढ़ने के बजाय नौकरी करने की ठानी और मुंबई चले गए। इन्होंने मुंबई जाने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति इतनी बदतर थी कि इनके पास मुंबई जाने के लिए किराया तक नहीं था। ऐसे में इन्होंने इधर उधर से किसी तरह मुंबई जाने के किराए का जुगाड़ किया और मुंबई जैसे बड़े शहर में बिना किसी मदद और जान पहचान के नौकरी पाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। देवीदत्त गुर्जर अपने छोटे से गाँव से किसी तरह से निकल कर मुंबई पहुंचे, लेकिन ये शहर जितना बड़ा था, वहाँ पर जीने के लिए संघर्ष करना भी उतना ही ज़्यादा कठिन था। ये बात भी उन्हें बहुत जल्द समझ आ गई, जब उन्हें जीवन जीने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। देवी दत्त के लिए बिना किसी जान पहचान के यहाँ पर एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। वो पूरे मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह पर नौकरी तलाशते रहे, लेकिन उन्हें कई दिनों तक असफलता ही मिली। इस दौरान देवी दत्त ने कई कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भूखे रहकर गुजारे, लेकिन कुछ कर गुजरने के जज्बे ने उन्हें हार नहीं मानने दी। और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया और बहुत ढूंढने और ठोकरे खाने के बाद कहीं जाकर उन्हें एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी में 125 रुपये महीने की तनख्वाह पर नौकरी मिली। देवी दत्त ने बिना कुछ सोचे समझे नौकरी के लिए हाँ कह दिया और रुपयों पर ध्यान देने की जगह उन्होंने अपना पूरा ध्यान बिजनेस को सीखने में लगा दिया। देवी दत्त एक मेहनती और ईमानदार कर्मचारी थे जो कि कंपनी के लिए काम करने के लिए हर टाइम तैयार रहते थे, और उनकी इसी खूबी ने कंपनी के मालिक का दिल जीत लिया। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ 7 साल के बाद उनके मालिक ने अपनी एजेंसी के एक और ब्रांच हैदराबाद में खोली और देवी दत्त की ईमानदारी और कंपनी के प्रति उनके लगाव को देखते हुए उन्हें ब्रांच का मुखिया बना दिया। उन्होंने भी मालिक का अपने ऊपर विश्वास देखते हुए इसे एक अवसर के रूप में लिया और अपनी पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करने में लग गए। देवी दत्त ने मुंबई पहुंचकर काम करना शुरू किया और कमाना भी शुरू किया, लेकिन इन 7 सालों में उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कभी भी एक रुपया घर नहीं भेजा। इस दौरान वो खुद एक छोटे से अंधेरे 10x10 के कमरे में रहते थे और कहीं पर खाना बनाते वहीं पर ही कर्मचारियों के साथ सो जाया करते थे। उनकी 5 साल की इस कठिन जिंदगी के बाद उनकी कंपनी 2 भागों में डिवाइड हो गई, और इस डिवीजन के बाद उनके मालिक ने उनके सामने पेशकश की कि वे कुछ पैसे देकर एक ट्रक ले लें। उन्होंने मालिक की बात मानी और एक ट्रक ले लिया, लेकिन इसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और इन सालों में उनके द्वारा की गई पूरी बचत यानी कि 1.5 लाख रुपए ट्रक के नुकसान की भरपाई में चले गए, और एक बार फिर से वो उसी शून्य पर आकर खड़े हो गए जहां से शुरुआत की थी। इस ट्रक हादसे ने देवी दत्त को फिर से सड़क पर लाकर खड़ा किया और उन्होंने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू की। और उस समय उन्होंने अपनी बचत से एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर एक ट्रक खरीदा और उन दोनों ने मिलकर अपना बिजनेस खड़ा किया, लेकिन उन्हें दर बदर इसके लिए घूमना पड़ा। और इन दोनों की कड़ी मेहनत काम कर गई और कुछ सालों के बाद उनका बिजनेस फलने फूलने लगा। 1989 की बात है कि उनका पार्टनर उनसे अलग हुआ। पार्टनर से अलग होने के बाद देवी दत्त ने पायोनियर रोड करियर लॉजिस्टिक्स की नींव रखी। आज के समय की बात करूं तो उनके पास गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के दर्जन भर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आज उनकी कंपनी ने 750 टैंकर्स, कंटेनर्स और दूसरे ट्रांसपोर्ट वाहन खरीदे हैं जो देश भर में काम कर रहे हैं।
आज उनकी कंपनी अपने 22 ब्रांचेस के साथ पूरे देश में फैली है और उनके अंडर लगभग 3500 कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनकी कंपनी का लाभ हर साल बढ़ रहा है और उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है। कम शिक्षा और गरीब परिवार के होने के बावजूद भी देवी दत्त ने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत के बल पर आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, अपने जीवन में अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छू सकते हैं। देवी दत्त को कोई भी दिशा दिखाने वाला नहीं था और उनका कोई मददगार भी नहीं था। ऐसे में उन्होंने शुरुआत शून्य से की, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। तो कैसे लगे आपको हमारी ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह की और स्टोरीज के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक बिठाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की, अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का। याद रखिए नाम।